पूरे बिहार में जातीय जनगणना का दूसरा चरण शुरू हो गया है। दूसरे चरण में 15 अप्रैल से 15 मई तक जाति आधारित गणना की जा रही है। इसके लिए घर घर जाकर सुपरवाइजर जाति आधारित जनगणना का सर्वे कर रहे हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बख्तियारपुर स्थित अपने घर पर ही अपनी गणना कराने के लिए पहुंचे और दूसरे चरण की जाति आधारित जनगणना का शुभारंभ किया। इस दौरान घर घर जाकर लोगों से 17 सवाल पूछे जा रहे हैं। शिवसेना उद्धव गुट के नेता संजय राउत ने सत्ताधारी बीजेपी पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उनका कहना है कि सरकार ईडी और सीबीआई की मदद से एनसीपी को तोड़ने की कोशिश कर रही है। अजीत पवार के बीजेपी में शामिल होने के मुद्दे पर उन्होंने कहा कि अजीत पवार का एनसीपी में भविष्य उज्जवल है, वो बीजेपी में शामिल नहीं हो सकते। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को विश्व बैंक की तरफ से आयोजित हाउ बिहेवियर चेंज कैन टैकल क्लाइमेट चेंज शीर्षक वाली लाइव में वर्चुअली हिस्सा लिया। इस मीटिंग में पीएम ने जलवायु परिवर्तन पर भारत का दृष्टिकोण विश्व पटल पर रखा। पीएम ने कहा कि जलवायु परिवर्तन से लड़ने के सबसे शक्तिशाली तरीकों में से एक व्यवहार परिवर्तन है, जिसकी शुरुआत हर घर से होनी चाहिए। पीएम मोदी ने आगे कहा कि जलवायु परिवर्तन का मुकाबला सिर्फ कॉन्फ्रेंस रूम की टेबल पर बैठकर नहीं किया जा सकता, इसे हर घर में खाने की टेबल पर लड़ना होगा। जब कोई विचार चर्चा टेबल से खाने की टेबल पर आ जाता है तो यह एक जन आंदोलन बन जाता है। दिल्ली शराब घोटाले में आरोपों का सामना कर रहे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा है। शनिवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान सीएम केजरीवाल ने कहा कि बीजेपी चिल्ला चिल्ला कर शराब घोटाला कह रही है। भारतीय जनता पार्टी चिल्ला चिल्ला के कह रही है कि दिल्ली में कोई शराब घोटाला हो गया। सो ईडी ने और सीबीआई ने झूठ बोल के ओथ पे एफिडेविट पे कोर्ट को गुमराह किया और झूठा सबूत उन्होंने कोर्ट के सामने पेश किया। तो मैं मोदी जी को कहना चाहता हूँ, मोदी जी अगर केजरीवाल भ्रष्टाचारी है तो फिर इस दुनिया के अंदर कोई ईमानदार नहीं है।